राम राम सभी दोस्तों को। आज मैं रावत बाटा चित्तौड़गढ़ आया हूँ देव भाई साहब के घर। उसके जीवन में जो आज तक कैसे देव भाई साहब क्या किया, आज तक कैसे समाज सेवी किया, और बचपन से लेकर आज तक उसके जीवन पर आधारित हम एक शॉर्ट मूवी बनाने जा रहे हैं। उसी के बारे में भाई साहब के घर आया हूँ आज अभी भी नाइट में, और भाई साहब हमारे साथ है अभी, और अभी पूछ रहा हूँ भाई साहब सब बात बताएंगे, मतलब अपने बचपन से लेकर आज तक सारी बातें उसी समाज सेवी जो पहले भाई साहब के आपने सुना है यूट्यूब पर बहुत से वीडियो हो बता तो नहीं सकता मेरे मुंह से मैं, और अभी पूछूंगा भाई साहब को मैं। तो भाई साहब को मेरा राम राम। राम राम भाई, राम राम। हाँ भाई साहब, मैं हम आपे आपके जीवन पे मतलब एक शॉर्ट शॉर्ट मूवी बनाया जा रहे हैं, अच्छा तो हमको अगर आप बताने चाहो तो बता सकते हो। अच्छा हमारे बचपन की स्टोरी बताओ आपको। हाँ मतलब कि शुरू से अपने घर से जो बिल्कुल आपका, बिल्कुल बताइए पहले तो सर। आप ये बताइए आपका गांव कौन सा था बचपन का। मेरा गांव था बोरावास, कोटा जिला में पड़ता है, और आज भी हमारा बोरावास में निवासी है, हमारे दूध की डेयरी है बोरावास में, और आज मम्मी वहीं रहती है और हम भी वहीं 2-4 दिन गांव जाते रहते हैं। और राउत बड़ा में मकान है मेरा, राउत बड़ा में रुक जाता हूँ। मेरा तो कटक्षणा काम है राउत बड़ा में, दोनों कामा दूध का काम है, हरिया कटक्षणा काम है मेरा, अच्छा बोरावास ये कोटा जिला में कोटा पड़ता है। जिला में पड़ता है ये, अच्छा, तो वहाँ बोरावास में आपकी दूध की डेयरी है, वहाँ भैरवनाथ नाम से दूध डेयरी बेरोना है। की दूध की डेयरी। बिल्कुल तो आपका बचपन बोरावास में कितने भाई साल साहब, तक हम रहा। बचपन में बहुत, हमारी गरीब स्थिति, हम बहुत गरीब आदमी थे, हमारा परिवार गरीब स्टोरी थी, हमारे शुरू से ही बहुत कमजोर स्थिति हमारी। जैसे मैं 13 साल का था अच्छा और बिजनेस करने लग गया था, तो बिजनेस करते करते मेरे दूध काम किया मैंने, पहले गाय भैंस पालना, ये पशु पालना काम किया था मैंने, करते करते मेरे कोई मुकदमा लग गया था, उसके बाद मैंने दूध का काम छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल 13 साल की उम्र आपके तेरह मुकदमा लग साल गया। हाँ 13 साल मुकदमा लग गया था मैं नाबालिग में, अच्छा अच्छा जब से मेरे दिमाग से बाहर हो गया मैंने ये दूध का काम छोड़ दिया। हाँ दूध का काम करते हैं, घर पे करते हैं, परिवार करता है, भाई करता है, बच्चे बीवी बच्चे सब संभालते हैं, दूध के दो नौकर भी रख रखे हैं, मगर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरे समाज का मुकदमा लगा, गुज्जर आंदोलन का मुकदमा लगा मेरे ऊपर, अच्छा आरक्षण का मामला आरक्षण, आपने। 16 साल की उम्र मेरे गुज्जर आंदोलन का मुकदमा लगा, उसमें मैंने 2 महीना जेल भी काटी, 2 महीना जेल भी काटी। उसके बाद मेरे दिमाग में बिल्कुल, आप जानते हो क्राइम की दुनिया की बात, वापस निकलना बहुत भारी काम है, मतलब प्रशासन आपने दाब डाला बिल्कुल पूरा। दबाव डालते हैं और मजबूर कर दिया, तो कोई मजबूरी आई जाती इंसान की, तो फिर हमने ये क्राइम करने लग गए। चलते 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 मैंने वापस कटे से काम डाला, कटे से काम डाला, बढ़िया मैं 4-5 साल से बड़ा कटे काम चल रहा मेरा, अब मैं समाज सेवा करने लग गया, सब काम छोड़ दिए, समाज सेवा करने लग गया, प्रशासन का सपोर्ट करता हूँ पूरा, और जनता की सेवा करते हैं, जो भी हमारे से रहते हो संता की सेवा करते हैं, मुझे कोई राजनीति का शौक नहीं है, कोई राजनीति करना नहीं चाहता हूं मैं, ऐसे समाज सेवा करना चाहता हूं। आपका मेन बिजनेस तो अभी रावत भट्ट है। हाँ राउत बटा और बुरावास दोनों जगह है बिजनेस। सुना आप समाज से भी खूब मतलब कि लोगों की बहुत सेवा की आपने, देखो भाई मतलब ये कि तो आपका भाईपण है जो सेवा कर रहे हैं, समाज का मौका मिला, जन्म लिया, मैं उसे जन्म मिला तो भगवान ने जन्म दिया, तो कम से कुछ तो करके जाएंगे अपन, इसीलिए मैं यही काम कर रहा हूँ, समाज सेवा ही करनी, मुझे कुछ नहीं करना है। और आपके बारे में सुना कि राजस्थान में मतलब ये सब जिला नहीं है, सब गांव नहीं है, जो आपका नाम नहीं, आपने लोगों की बात नहीं वो सुनी। आप जैसे भाई लोगों का प्यार है, आप जैसे भाई का प्यार मिलता है तो ऑटोमेटिक बुलाते जाते भी है, पर्ची भी होता है और पब्लिक जुड़ती भी है। और जो आपका जो उस मुकदमा लगा था आपको उस टाइम पे 16 साल की उम्र में, तो आप चंबल में ही अपनी जो खड़ाई बिल्कुल की, बिल्कुल फरारी, बिल्कुल मैंने जंगल में काटी, बिल्कुल जंगल में फरारी काटी मैंने, चंबल में। सारे मुकदमे जंगल में फरारी काटी मैंने, मुझे कोई शौक नहीं है, कोई गलत शौक नहीं है सिटी रहने का, जो फरारी काटी मैंने जंगल में काटी। ये आरक्षण का मुकदमा आप कितने साल तक चला, मैंने चला 4 साल तक चला हुआ, मतलब उसमें भरी हो गए हम, 20 साल, 16 से 20। हाँ 20 साल मुंह भरी हो गए हैं, उसमें और ही मुकदमे लग गए, वही जितना देखो आप जानते हो गया, आज की दुनिया में तो इंसान को सीधा रहना भी गलत है तो टेढ़ा रहना भी गलत है, इसीलिए हम समाज सेवा कर रहे हैं। मतलब उस टाइम पर आप मजबूर ना, आपको मतलब कि मजबूर वो मजबूर मजबूर अपराधी बना गया था। बिल्कुल, अपराधी का धंधा कर रहा था, मेरा बिजनेस था दूध का, सारा खराब हो गया, जब 2 महीने आदमी जेल में रहेगा तो धंधा तो बिजनेस तो खराब होगा ना, इसीलिए मैंने अब खराब तो गया, फिर क्राइम की लाइन घुस गया, फिर वापस मैं 5 साल तक कर करा के वापस आके कटे से काम करना चालू कर दिया, फिर समाज सेवा उतर के 4 साल समाज सेवा ही कर रहा हूं मैं। तो अभी जो आप, अब तो कोई, नहीं कोई मुकदमे नहीं है, अभी 2-4 मुकदमे बरी हो जाएंगे, बाकी सब बरी हो गया मेरे, अच्छा,
और अब कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं समाज सेवा करता हूँ, समाज सेवा करनी भरू जिंदगी में। और हमने आपके बारे में सुना, तो आप क्राइम की दुनिया से बहुत बिल्कुल बिल्कुल दूर, कोई मतलब नहीं किसी से, अपना बिजनेस करो, समाज सेवा करो और मस्त रहो अपने हाल में। तो आप कोई दो बात बोल भी देता है तो सुन लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कहने दो, दुनिया कहती रहती है, कभी लोड नहीं लेना चाहिए, अगर लोड लोगे तो ज्यादा आदमी वापस उसी दुनिया में जाएगा। और एक आपके बारे में एक बात तो सुनिए, वो मतलब सुना हमने तो, मतलब आप दूध पीने में थोड़ा बहुत परफेक्ट हो। देखो शुरू से मुझे दूध का शौक है, शुरू से दूध का शौक है और कच्चा दूध पीता हूँ मैं, और आज ही 3-4 लीटर दूध पीता हूँ भाई। अपने जो बॉडी वगैरह है, जो फिटनेस शरीर है, वहाँ बोरावास गांव में से गए राउतबाटमा के बनाए? नहीं, मेरी गांव से ही है, पहले मेरा डेली 15 किलोमीटर दौड़ थी, डेली दौड़ा 15 किलोमीटर और जिम करता, घर पे सामान लाकर डाल दिया मैंने, घर पे 1 घंटा डेली काम था मेरा, और धीरे धीरे जिम भी जाता, और अभी भी जिम जाता हूँ मैं, जैसे टाइम मिलता है जिम जाता हूँ। अच्छा। फिटनेस का बहुत ध्यान रखता हूँ मैं, फिटनेस है तो सब कुछ है। और सुना आपके बारे में, 36 कौम आपका बहुत मान सम्मान करती है। बिल्कुल, हम तो 36 कौम की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद है जो आज आप इंटरव्यू लेने हमारे यहाँ पहुंचे। और आपके सॉन्ग भी मतलब काफी, राजस्थान का ऐसा कोई सिंगर नहीं है जो आपके गाने नहीं बनाया। देखो उनका प्यार है, वो उनका प्यार जो अच्छे से सॉन्ग निकाल रहे हैं, चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, कोई कमा के भी खा रहा है, यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, सभी करते हैं। देखो सचित होने के बाद तो हम भी आपसे हेल्प लेने आए हैं, अगर आप हाँ कर दो तो। हाँ तो बताओ आपकी हेल्प, बताओ भैया आपके आपके जीवन पे जो आपने शुरू से लेकर अभी तक मेरे को बताया ना, उसी के ऊपर आप हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हो। अच्छा शॉर्ट पिक्चर बना रहे हो आप, बना लो भाई, बता देंगे हमारी लाइफ स्टोरी कैसे क्या हुई, सब बता देंगे आपको, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है, आप तो पैसे कमाओगे, हमारा भी नाम रोशन होगा। नहीं हमको मतलब चल घर से चल गया, पैसा मना नहीं करेगा। आप प्रॉपर गाँव कौन सा भाई सर? मेरा है झुंझुनू में, उदयपुर। चलो अच्छी बात है भाई, शुभ नाम? मेरा नाम है देवगुजर। देवगुजर, मैं खुद एक सिंगर भी हूँ, राइटर। अच्छा सिंगर हो आप, अच्छा अच्छा राइटर भी हो। और भाई साहब का नाम? विजय गुजर, जयपुर से। चलो अच्छी बात है। और सुनाओ? बस बढ़िया, आपसे मिलके बहुत खुश हुआ, मेरे को आस नहीं थी कि भाई साहब हाँ कर देंगे। अरे यार भैया अच्छा काम करो तो साथ करेंगे ना, गलत काम में किसी का साथ नहीं देता हूँ, मेरा रूल, चाहे मेरा भाई भी क्यों नहीं हो, गलत काम में किसी का साथ नहीं देता हूँ। बाकी का आप मजबूरी में कौन सी हेल्प चाहिए, हम तैयार है आपके लिए। नहीं वो तो आपके बारे में काफी सुना देखा भी है, आज आपसे लाइव मिल लिया आपके घर में, बहुत ही मतलब अच्छा लगा भाई मिलने के लिए, अच्छा लगा भाई, और हमारा सौभाग्य जो आप हमारे घर बता रहे हो आज, मतलब हम बता नहीं सकते आपके घर नहीं है हमारे घर है, ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं भाई, जब चले जाएंगे तो कपड़ा भी नहीं जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, ये जो भाव भरे मैंने ये साथ जाएगा। और आपने कभी देखा होगा चेहरे पे हंसी देखी होगी, गम कभी नहीं देखा होगा आपने, हमेशा हंसी रहती है चेहरे पे। चलो तो बहुत जल्दी आपके हम मतलब ये शॉर्ट फिल्म है उसकी शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा अच्छा, ये शूटिंग जो तो हमारा चंबल से ही करोगे क्या? हाँ चंबल में हमारा हमारे एरिया से करो फिर, तो जब भी लगेगा भाई देवगढ़ एरिया आएगा। स्टोरी आपकी है, एरिया आपका है, जो बचपन में आज तक लिए आपने बिताए थे यही होगी सब? बिल्कुल यही करवाएंगे आपको, जो हेल्प होगी हेल्प करेंगे आपकी, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टोरी लिख लो आप पूरी, वो तो मैंने आपको मैंने लिख ली। और आप हुई हाँ बता देंगे, और जो भी कमी होगी बता देंगे, और लगभग मतलब की 10 या 12 दिन हमारी टीम आ जाएगी सारी। बिल्कुल बिल्कुल बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम है करो आप। नाइट में एयर रुकना आराम से जाना। चलो ठीक है भाई साहब, आज नाइट में एयर रुको हमारे पास, कल चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, आज दोनों तो रुको, हमारा रावतपाड़ा दिखाते हैं आपको, हमारे गाँव दिखाते हैं, आएंगे तो नासी माता का दर्शन कराते हैं आपको, कल इतवार है, कल मंदिर जाऊंगा तो आप ही मेरे साथ चलना। मैंने आज आएगी रुकेंगे आपसे, बहुत और भी बातें आपको पूछेंगे नाइट में। बिल्कुल पूछ लेना साहब, मैंने सुना आपकी जो मतलब की खूब मतलब की आपको भगवान ने देवनारी खूब मतलब किया चढ़ाओ मैंने। हाँ बोलते हैं भगवान का मंदिर और माता जी मंदिर तो हर शनिवार इतवार जाता हूँ। अच्छा अच्छा, और मंगलवार बालाजी मंदिर जाता हूँ। थोड़ा यूट्यूब पर मैंने देखा था आपका, मतलब देवनार भगवान भी चढ़ाओ चढ़ाया था। हाँ यूट्यूब है मेरा, देवा गुजर कोटा का नाम से यूट्यूब है, देवा गुजर कोटा का नाम से आपका यूट्यूब चैनल। मैं जो भी धार्मिक काम करते हैं,
है घूमने फिरने जाते हैं तो डाल लेते हैं, जो सब भाई देख लेते हैं, उससे लोगों को सबको पता पड़ता, जागरूक होता है, समाज सेवा करते हैं। तो देखो जागरूक होना भी जरूरी है, ऐसे घर बैठे कोई नहीं जानेगा आपको। मैंने आपका YouTube सब्सक्राइब कर रखा है मैंने। अच्छा, आज देखा था आपने कमल वगैरह बांटे। हाँ, आज भी 300 कमल बांटी मैंने गरीबों के लिए। मेरा YouTube देख सकते हो आप। और भगवान देव नारायण के मैंने अगले शनिवार का, आज का 8 दिन पहले हमारा चांदी का 76 आधा किलो का वो चढ़ाया, भगवान की मन्नत पूरी होगी मेरी तो चढ़ाया मैंने। और वैसे भगवान मंदिर पे से लगाता रहता हूँ मैं, जो भी मेरे से होता है वो करता रहता हूँ। और जो भी समाज सेवा कोई गरीब है कोई मार लाइक कोई सेवा करते रहता हूँ मैं सही। मतलब यूट्यूब पर हमने जो कई नाम वगैरह देखे, नासी माता का आपका? हाँ, मेरा इष्ट नासी माता का, इष्ट नासी माता का। उस माता रानी का जन्म भरी काटी, जब से मैं बचपन से मेरा जन्म ही हुआ था, ये माता जी का मंदिर से 300-400-500 मीटर दूर मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म भूमि वही माता जी मंदिर है ना, वह जंगल मेरा जन्म हुआ। तो मैं जंगल का सूर्य सो के जंगल का जन्म मेरा माता जी के, माता जी नीचे पहाड़ी के अंदर नीचे है और ऊपर मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता कहते हैं कि आपका जन्म यहाँ पे हुआ था। और समाज सेवा करते रहते हैं, YouTube देख लिया करो भाई। वो तो हम YouTube का कहीं भी देखे आपने। और मेरे नाम के YouTube बहुत सारे फर्जी बना रखे हैं। हाँ, करती है, बना रखे हैं। मेरा YouTube देवा गुजर कोटा का नाम से है। कितने सब्सक्राइबर उसमें होंगे? 45,000 थे। अभी बनाया मैंने 4 महीने से, नहीं तो पहले भी बनाया था। 4 महीने से चलाया मैं YouTube भी। अच्छा, आप चलाते हो अपना? हाँ, मैं खुद चलाता हूँ। मेरा दोस्त है सुरेश, वो संभालता है YouTube, सोशल मीडिया वो देखता पूरा। यानी हम देखते हैं आपके, मतलब कि रोज वीडियो आते हैं। हाँ, समाज में सेवा के बहुत से नाम के। देखो ये भगवान का कृपा है, आपका प्यार है, तो समाज सेवा करने का मौका मिला। नहीं, समाज सेवा को हर इंसान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, कितना पैसा कमा लो समाज सेवा को पैसे नहीं लगा सकता है। हम तो राजस्थान में सिर्फ एक आप ही हो, मेरे हमने आज तक किसी नेता को नहीं देखा। देखो भाई, नेता की तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर समाज सेवा करने में नेता भी नहीं तो आप भी कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ, प्रशासन भी कर सकता है। हर इंसान का अधिकार होता है समाज सेवा करो, हर इंसान का अधिकार होता है। वैसे एक बात कई लोग सोचते भी हैं, हमने भी सोची है, मतलब राजनीति से आपका कोई क्या है? मेरी राजनीति से कोई लिंक नहीं है। अच्छा। जबकि नेता मुझे बोला था चुनाव लड़ा देता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, मुझे राजनीति से शौक नहीं है। राजनीति करने से क्या होता है, इंसान पाबंद हो जाता है। मैं पाबंद होना नहीं चाहता। समाज सेवा करने वाला इंसान पाबंद कभी नहीं होना चाहिए। आज पार्टी बोल देगी, कांग्रेस बोल देगी, बीजेपी बोल देगी, नर्दलीय कोई पार्टी बोल देगी कि मेरे इंटर में काम करो, तो धक्के रहना पड़ता है। मैं कभी नहीं करूंगा ये काम। मतलब समाज सेवा करने वैसे भी नेता सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि आज राजस्थान में आप इतने फेमस हो तो आप चाहो तो कोई भी चुनाव लड़ सकते हो। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा भाई कभी, मतलब बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, कभी नहीं सोचूंगा ये बात। हाँ, लड़ा दूंगा मेरे दोस्तों, लड़ दूंगा मेरे घर परिवार को, लड़ दूंगा, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब आपकी कोई पार्टी भी नहीं है? नहीं, मैं करता हूँ सबका। देखो छत्तीस को सपोर्ट करते तो हमारे लिए पूरी समाज, छत्तीस को मेरे लिए पार्टी है। मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूँ, मेरे लिए पार्टी सबसे बड़ी वो है। मनुष्य ने जन्म लिया तो हमारी सबसे बड़ी तो पार्टी वो है। आज मनुष्य ने जन्म लिया तो बढ़िया करो, अच्छे करो। हाँ, ना काम थे हम, ना बुद्धिम थे, जब कर लिए गलत काम, मगर कभी गलत काम नहीं करेंगे, ये सोच लिया हमने। ये चाहे सामने वाला को गाल दे देगा, सुन लेंगे, मस्के निकल जाएंगे। ये सबसे मेन बात है भाई साहब की, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई साहब की, मतलब कि राजस्थान में इतने पॉपुलर होके आज 36 कौम में राजस्थान के हर कोने कोने में मान सम्मान होता है भाई साहब का, परंतु राजनीति से लेकर किसी पार्टी में कोई लेना देना नहीं। राजनीति ये होता है भाई साहब, मैं बताऊं आपको, जैसे अपना राजस्थान को सरकार चल रही है कांग्रेस और बीजेपी, अगर अपन पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, अपने को पद मिल गया, तो सामने 10 बंदे कांग्रेस वालों में मिलने वाले, तो बीजेपी वाले तरफ नहीं आएंगे, और कांग्रेस में चले जाएंगे तो बीजेपी वाले उसकी तरफ नहीं आएंगे, तो अपने के कमजोरी होती है। समाज सेवा करने के लिए इंसान को पार्टी की जरूरत नहीं है, कभी ध्यान रखना ये बात का। देखो मैं बच्चा हूँ, मगर ये सत्य बात बता रहा हूँ आपको। और हमने आपका एक नाम और सुना, देवा डॉन, क्यों कहते हैं आपको देवा डॉन? तो देखो सब प्यार से कहते हैं, समाज सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया देवा डॉन डालते हैं। मैं देवा डॉन नहीं हूँ, मैं देवा गुजरी लगाता हूँ, मेरा सरनाम देवा गुजरी है बस। अब डॉन तो देखो सभी भाई लगाते हैं सोशल मीडिया में, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरी आईडी में अगर देवा डॉन देखा तो बताओ आप, नहीं देखा मतलब मेरी कोई भी चीज मेरे से ये वर्ल्ड कभी नहीं निकलता, मैं डॉन हूँ, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं समाज सेवा करनी है मुझे।
नहीं, हमने देखा है यूट्यूब पे आप डालते लोग बात, मगर मेरे दिमाग में कभी नहीं सोचता हूँ मैं। यूट्यूब पर आपके कई फर्जी चैनल है, फेसबुक पर आपके कई फर्जी आई डी है, इंस्टाग्राम पर आपके सभी पर मतलब ये देवा डॉन लिखा हुआ है, मतलब कि मेरी आईडी में देवा डॉन ही लिखा हुआ है, मेरी आईडी से देवा गुजरी लिखा हुआ है। बल्कि मैं समझता हूँ कि सब आपके चाहने वाले हैं वो। देखो चाहने वाले, प्यार देने वाले, वो तो कुछ भी लगा देता, पर जनता का मुंह भी नहीं पकड़ सकते हैं। सही है, सही है। इसीलिए चलो अच्छा ठीक है, भोजन कर लो, आज नाइट एयर को कल माता चलेंगे, फिर चले जाना। ये तो आपका प्यार है। अरे यार भगवान यार, हम का भाग क्या मिलता है। मैं सभी भाइयों को बताना चाहूंगा, आज मैं राउत बाटा है चित्तौड़गढ़ देवा भाई साहब के घर, जो यहाँ मतलब उसके बिजनेस है, रावत पाठा में रहते हैं भाई साहब। आज इन घर के भाई साहब ने खूब प्यार दिया, हमने उसके जीवन की जो स्टोरी देखी मतलब बताई भाई साहब ने, जल्दी हम ये शॉर्ट फिल्म स्टार्ट करेंगे, कोटा और रावत पाठा में पूरी मूवी शूट होगी। और अभी नाइट में भाई साहब के पास है, और अभी खाना खाएंगे भाई साहब के नाइट में रहेंगे, और जल्दी आपको मतलब की ट्रेलर द्वारा या पोस्टर द्वारा बता दिया जाएगा। भाई साहब की जो आईडी यूट्यूब है, चैनल है देवा गुजर के नाम से, उस पर आपको सभी को बता दिया जाएगा कि कब मूवी रिलीज होगी, कब उसके सॉन्ग रिलीज होंगे, जल्दी सभी को बता दिएगा। सभी सपोर्ट बनाए रहिए भाई पे। चलो सब आशीर्वाद ऐसे बना रहे हमारे ऊपर, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवा भाई, आपका प्यार भाई साहब। भाई साहब नो जी चलो अच्छा लगा आपके, राम राम भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम। अभी भाई साहब के जो घर खाने खाएंगे।